हेलो, मैं डॉक्टर महेश जगदाड़े, मैं सतारा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं भूल तज्ञ हूँ, एनेस्थेशियोलॉजिस्ट हूँ। मेरा एज 46 इयर्स है और मुझे स्लीप की प्रॉब्लम थी। मतलब मुझे एक्चुअली स्लीप की भी प्रॉब्लम थी और सुबह एकदम दिन भर ऐसा फटिक लगता था, दिन भर ऐसा ड्राउजीनेस होता था और कुछ पता नहीं चलता था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैं फिजिकल फिटनेस अच्छा रखता था, मेरा एक्सरसाइज बहुत अच्छा था, डाइट अच्छा था, उसके बावजूद भी मुझे ये प्रॉब्लम था। और मैं मेरे सारे बहुत फिजिशियन फ्रेंड्स को भी मैंने इसके उनके साथ बातचीत की कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, दिन भर मैं फटी हो रहा हूँ, डे टाइम ड्राउजीनेस हो रहा है, हेडेक हो रहा है। तो बहुत सारे मतलब टॉन्सिलेक्टॉमी हो गई मेरी, नेजल कॉट्री हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करके सीटी स्कैन करवाया, एमआरआई करवाया, कुछ भी नहीं, वो सब नॉर्मल आ गए। और एक्चुअली उनका ऐसा ख्याल था कि मुझे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है और इसलिए उन्होंने एक्चुअली साइकेट्रिस्ट के पास भी मुझे भेजा था, लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि आई नो कि मुझे मेरी तो सेहत, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी थी, ऐसा मेरा मतलब ये था। इसलिए मैंने क्या किया कि मेरे एक फ्रेंड हैं और सीनियर ENT सर्जन हैं, डॉक्टर विकास कुलकर्णी फ्रॉम इस्लामपुर, उनके यहाँ जाके मैंने स्लीप स्टडी करवा ली। स्लीप स्टडी में और उसके बाद स्लीप एंडोस्कोपी कर ली सर ने, तो उसमें इपिग्लॉटिस का प्रॉब्लम निकला। मतलब इपिग्लॉटिस वॉज फ्लॉपी एंड इपिग्लॉटिस जो एयरवे है, ग्लॉटिस है, उस पर पूरा जाके ढक जाता था, इसीलिए मैं सांस नहीं ले पाता था और रात में मेरी सांस बहुत टाइम ऐसी अटक जाती थी और नींद ऐसी खुल जाती थी। रात में 3-4 बार मुझे जाग के उठ के सांस, लंबी लंबी सांस लेके कॉम्पेंसेट करके और फिर सोना पड़ता था। और ऐसा एक डिटेक्ट होने के बाद मैंने थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवा ली, एक्सरसाइज, मैराथन, डाइट प्लानिंग सब करके 1.5 साल मैंने वो फिक्स करवा ली लाइफस्टाइल। और उसके बाद डॉक्टर विकास कुलकर्णी सर ने मुझे कांदिवली में डॉक्टर विकास अग्रवाल सर के यहाँ रेफर किया और सर ने मेरी स्लीप स्टडी और स्लीप एंडोस्कोपी फिर रिपीट करवा ली, उसमें सेम प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया। और सर ने बाद में 25 नवंबर में मेरी सर्जरी की, ग्लॉसोइपिग्लोटोपेक्सी बाय कॉबलेशन मेथड। तो उसके बाद तो आज तक मतलब मैंने एक्चुअली चैन की नींद क्या होती है सच्चे में मैंने मतलब मुझे एहसास हो गया कि लिटरली आई थैंक टू डॉक्टर विकास अग्रवाल सर टू मच। एंड आफ्टर दैट यू कांट बिलीव, ऑन द सेकंड पोस्ट ऑफ डे आई हैव गिवन एनेस्थेशिया टू 8 पीडियाट्रिक केसेस। लिटरली इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस टू मी। इवन ऑन द सेम डे ऑफ द सर्जरी आई कुड एबल टू स्लीप वेरी नाइसली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन एंड विदाउट एनी हेडेक एंड विदाउट एनी फटीग विदाउट एनी डे टाइम ड्राउजीनेस। लिटरली इट इज पुनर्जन्म बोल सकते हैं मेरे लिए सच्चे में, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। लिटरली आई एम एंजॉइंग द स्लीप एंड एंजॉइंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।